साउथ फिल्मों के सुपरस्टार धनुष और उनकी पत्नी ऐश्वर्या ने शादी के 18 साल बाद अलग होने का फैसला लिया है। धनुष ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अपने तलाक की जानकारी दी। धनुष और ऐश्वर्या के तलाक की खबर जैसे ही फैली, हर कोई हैरान हो गया। दोनों के ही फैंस यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने इस तरह अचानक अपनी 18 साल की शादी को क्यों खत्म कर दिया। लेकिन इन सब के बीच धनुष के पिता फिल्म निर्माता कस्तूरी राजा ने दोनों के तलाक की खबरों को गलत बताया है। डेली थंडी अखबार को दिए एक इंटरव्यू में कस्तूरी राजा ने कहा कि उनके बेटे धनुष और ऐश्वर्या रजनीकांत के तलाक लेने की खबरों में सच्चाई नहीं है। कस्तूरी राजा ने दोनों के अलग होने की खबर को एक पारिवारिक झगड़ा बताया, जैसा कि आमतौर पर पति पत्नी के बीच हो जाता है। यही वजह है कि धनुष और ऐश्वर्या अलग हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये दोनों तलाक ले रहे हैं। राजा ने ये भी कहा कि बीते कुछ दिनों से वो चेन्नई में नहीं थे, दोनों अभी हैदराबाद में हैं। धनुष और ऐश्वर्या ने 17 जनवरी को सोशल मीडिया पर अपने अलग होने का ऐलान किया था। दोनों ने एक नोट इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए अपनी 18 साल पुरानी शादी को खत्म करने की जानकारी दी थी। धनुष और ऐश्वर्या के दो बच्चे यात्रा और लिंगा हैं। धनुष साउथ इंडस्ट्री के स्टार एक्टर हैं। उनके पिता कस्तूरी राजा भी बड़े फिल्म निर्माताओं में शुमार हैं। वहीं ऐश्वर्या सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी हैं। धनुष और ऐश्वर्या की पहली मुलाकात से लेकर उनकी लव स्टोरी काफी फिल्मी और दिलचस्प रही है। जब धनुष और ऐश्वर्या का प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने साल 2004 में शादी कर ली। अब 18 साल बाद दोनों ने अलग होने का ऐलान किया है।